कि लोगों ने तो प्रयास किया, लेकिन जब वो देखा कि कर्मचारी बोले अभी मैडम हो नहीं रहा इसका निस्तारण इस तरह से, इसलिए अभी आप इसमें दोनों ही कचरे को डाल दीजिए, तो ये प्रॉब्लम तो रही। ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं कहीं करी शहर ने, तरक्की भी की है। कुछ हमें ई रिक्शा जो चल रहे हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हर कॉलोनी में हमें कम से कम एक छोटा सा पार्क तो ज़रूर डेवलप करना ही चाहिए। अभी जो बेसिक के विद्यालय हैं वो नगर निगम के क्षेत्र में चल रहे हैं किराए के भवनों में। साथ ही एक स्कूल तो कम से कम ऐसा बनाना चाहिए नगर निगम को अपना। आप एक सेंट्रल प्लेस में एक ऐसा स्कूल इस्टेब्लिश करिए जहाँ फर्स्ट टू इंटर एजुकेशन बच्चों को मिले और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हमारे बेसिक के द्वारा दी जाती है। फॉगिंग के दौरान हम देखते हैं कि मच्छर खूब घूम रहे हैं। ये मेरी पर्टिकुलर, मैं अकेली बात नहीं कर रही हूँ। और अपना सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लें तो आपने देखा है कि जो उसके लिए सर्विस लेन है आपने नोटिस किया होगा, आए दिन वहाँ पानी भर जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIE की स्पेशल सीरीज हमारा नेता कैसा हो मैं। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती कल्पना राजौरिया जी। कल्पना जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। कल्पना जी वैसे शिक्षिका हैं और समाज सेवी हैं। 4 वर्ष तक ये फिरोजाबाद में नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं और स्वीप आइकन भी रही हैं। तो कल्पना जी, नगर निगम और स्वीप बनकर आपने फिरोजाबाद में तो काम किया है जी। आपने नेताओं के साथ भी काम किया है जो फिरोजाबाद नगर निगम में हैं या फिरोजाबाद में है जनपद में। अब जो नेता हो यानी जो महापौर के जो इलेक्शन आने वाले हैं कैसा होना चाहिए आपके नजरिए से? देखिए गौरव जी, मैंने काम तो किया है इनके साथ। एक्चुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो मैंने कभी काम नहीं किया। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, नगर निगम में मैं रही हूँ स्वीप नगर स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर। उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ नोटिस किया तो मुझे ये लगता है कि नगर निगम में यदि कोई भी मेयर हो तो वो प्रॉपरली यहीं का निवासी होना चाहिए और उसे एक एक गली मोहल्ले की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो काम है मेयर का वो सीधा इसी से बिलोंग रिलेट करता है इसी इशू से कि आपको कितनी जानकारी है कि शहर कैसा है, कहाँ कच्ची गलियां हैं, कहाँ पक्की सड़कें हैं, कहाँ क्या आवश्यकता है, लोग कैसे माहौल में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सुन रही हूँ कुछ लोग बाहर के भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मेयर पद के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर यहीं का निवासी हो तो बेहतर रहे जी। अभी फिरोजाबाद चूंकि आप ब्रांड एम्बेसडर रही हैं तो आपको अच्छे से पता होगा फिरोजाबाद में आप साफ सफाई की व्यवस्था के लिए और अवेयरनेस के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर थी। आपने क्या महसूस किया कि क्या कमियां रही फिरोजाबाद में जो होनी चाहिए थी और नहीं हो पाई? देखिए हमारा काम था कि हम जनता को जागरूक करें। जनता को जब जागरूक करने निकलते थे तो कई वार्ड्स तो ऐसे मिले कि वहाँ पे पब्लिक ऑलरेडी बहुत अवेयर थी, वो जानते थे कि कूड़े का किस तरह से हमें निस्तारण करवाना है, कहाँ कूड़ा फेंकना चाहिए कहाँ नहीं। लेकिन हमें ऐसे भी बहुत सारे मोहल्ले मिले जहाँ अगर हम रोज़ जाके समझाएं तो भी अगले दिन उनके दरवाजे पर हमें कूड़ा मिला। कहीं पर वो उनकी खुद की भी कमी होती थी, कभी कभी लगता था कि शायद निगम के जो कर्मचारी हैं उनका भी कुछ छूटता था, उनके द्वारा कुछ काम कमी रह जाती थी। तो दोनों का हमने प्रयास किया कि सामंजस्य हो, अगर कूड़ा दरवाजे पे आ भी रहा है तो एक टाइम टेबल ऐसा बनाया जाए कि वहाँ से अगर कर्मचारी निकल रहा है उसके पहले वो कूड़ा आए जिससे वो उसको लेता हुआ जाए। और इसके लिए अवेयरनेस किया गया। आपने देखा होगा कि एक गाड़ी चलती है जिसमें ये अभियान के स्लोगन्स होते हैं, गीत रहते हैं, तो लोगों को समझाया गया कि एक तो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, इसके बारे में भी आपने देखा कि अवेयरनेस करवाई थी। तो जब भी गाड़ी आए तो आप दोनों टाइप के कूड़े को आप अलग रखिए और जब भी गाड़ी आ रही है आप उस वाहन में उस कूड़े को डालिए। तो प्रयास किए गए। एक मतलब ये तो आप चूंकि ब्रांड एम्बेसडर थी तो आपने कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना है, लेकिन क्या वाकई पब्लिकली ऐसा हुआ है कि लोगों ने गीला और सूखा अलग अलग रखा? मैंने तो अक्सर ये भी देखा कि जो निगम की गाड़ी जो जाती है उसमें जो कर्मचारी जाते हैं वो ही खुद गीला और सूखा अलग अलग नहीं रखते। Point is that only कि लोगों ने तो प्रयास किया। अगर मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं तो उन्होंने प्रयास किया, मैंने किया, लेकिन जब वो देखा कि कर्मचारी वो कहता कि एक ही में डाल दीजिए मैडम अभी नहीं हो रहा है, कुछ समय जैसे हमने टोका कि आप लोगों को टेंडर दिया गया है तो आप दोनों अलग करिए ना, तो बोले अभी मैडम हो नहीं रहा इसका निस्तारण इस तरह से, इसलिए अभी आप इसमें दोनों ही कचरे को डाल दीजिए। तो ये प्रॉब्लम तो रही।
और वो लेके हालांकि अलग अलग वो बॉक्स अलग बॉक्स होते, अलग होते थे ग्रीन और ब्लू, लेकिन वो जाता सब कुछ एक ही में था। आप सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ। अभी निगम ने चनौरा पे एक डंपिंग यार्ड बनवाया, उसमें वो रिसाइकल भी कर रहे हैं जो कचरा हो रहा है। तो कितना हद तक कारगर है वो? आपने विजिट किया? अभी तक मैंने विजिट भी नहीं किया है, और क्योंकि मुझे जैसे हमने पहले भी देखा कि और योजनाएं चली और हम लोगों ने उसका खूब प्रचार किया, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के एक फेलियर आ जाता है किसी भी कारण से। सही, तो अभी चनौरा का भी मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट कर नहीं सकती कि वो कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो कचरे को लेकर के और आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में कचरे, क्या कचरा एक समस्या है? देखिए, कचरा एक समस्या तो है, लेकिन इस समस्या को आप अगर आप अदर सिटीज से उदाहरण लें, इंदौर जैसी सिटी से उदाहरण लें, तो इसको रिसाइकल करके जिसको बेनिफिशियल किया जा सकता है, अर्निंग के सोर्सेज बनाए जा सकते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। बस ये थोड़ा सा प्रयास करने चाहिए इस दिशा में। और फिरोजाबाद में आप क्या क्या समस्याएं देखती हैं? देखिए, समस्याएं तो जब तक इंसान है तब तक रहेंगी, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं कही करी शहर ने, तरक्की भी की है। फिर भी जो नई आबादी के क्षेत्र हम देखते हैं, अभी जैसे आपने देखा था एक संस्था ने अभियान चलाया नाला ढको, उस दौरान हमने नालों को देखा और हम ऐसी ऐसी बस्तियों में गए जहाँ पे हमें ये लगा कि हमेशा लगता 12 मासी उसमें पानी सा भरा रहता है, मच्छर पनपते रहते हैं। कहाँ तो हमारा शहर, आप जानते हैं कि एक साल का ही समय, एक डेढ़ साल का समय बीता है जो डेंगू जैसी बीमारी भयंकर रूप से हमारे यहाँ फैली थी। तो हमें ये लगता है कि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पेंडिंग हैं, शायद रिसोर्सेज की कमी हो, समय का अभाव हो, या वहाँ तक लोग ना पहुँच पाए हों अभी तक। तो ये सभी समस्याएं दूर होनी ही चाहिए जो शहर की हैं। जाम की समस्या आप जानते ही हैं कि जाम की भी समस्या हमेशा रहती है हमारे शहर में। सौंदर्यीकरण की भी अभी और आवश्यकता है। शहर के अंदर कोई घुसता है तो लगता है कि अलग से दिखाई दे कि आप फिरोजाबाद में एंटर कर रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हों जो सौंदर्यीकरण हो, कुछ गेट्स बने तो बेहतर होगा शहर। जाम की समस्या की आपने बात की जी, कैसे सुलझाया जा सकता है? देखिए, कई बार हम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ भी बात हुई, अभी हमने कुछ मीडिया के साथ प्रोग्राम चलाया था सड़क के लिए अवेयरनेस कैंप्स, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि एक ही टाइम पे जब स्कूल्स की छुट्टी होती है तो एक साथ बच्चे बाहर आ रहे हैं, बल्क में होते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इधर ई रिक्शा चलते हैं, पुराने रिक्शे भी हैं, ऑटो भी हैं, फिर वाहन भी कम नहीं रहे हैं। अब एक एक घर में आप देखिए तो चार चार कार भी हैं, बाइक्स भी हैं, और किसी को अगर गुटखा लेने भी जाना है तो वो बाइक यूज़ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हम बहुत हद तक तो स्कूल के टाइम में अगर वेरिएशन करते हैं तो शायद हमें कुछ लाभ हो। कुछ हमें ई रिक्शा जो चल रहे हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके कुछ स्पेसिफिक रूट्स निर्धारित करने पड़ेंगे जिससे पूरे शहर तक, जैसे आप देखते हैं कि अपना जो मेन मार्केट है उसमें इतनी जगह ही नहीं है कि इतने सारे रिक्शाज को अलाउ किया जाए, लेकिन जब वो जाते हैं तो जाम लग जाता है। और आप देखिए, फेस्टिव सीजन आता है तो पुलिस ध्यान देती है इस पर, ट्रैफिक पुलिस भी ध्यान देती है, तब आप देखिए कि जाम की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग। इट मीन्स एक वेल प्लान बनाया जाए और ये टाइम टेबल सेट कर दिए जाए सभी कॉलेजेस के, तो कुछ हद तक हम इससे निजात पा सकते हैं। आपने सौंदर्यीकरण की बात की, आपने गेट्स बनाने की बात की, कहाँ कहाँ आपको लगता है या किस तरीके से आपको लगता है कि अगर वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको ही महापौर बना दिया जाए तो आप कैसे करेंगे उसे? देखिए, क्योंकि सोचा नहीं है कि महापौर बना दिया जाए, सवाल मतलब बस ये कहते ना, एक अट्रैक्शन वाला भी सवाल है और दूसरा ये है कि क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सोचा नहीं। लेकिन जैसे हम एक शहर के नागरिक की तरह बात करें तो मुझे लगता है जितनी भी कॉलोनीज डेवलप हो रही है हमारे यहाँ, उनमें पर्टिकुलर कॉलोनीज में ऐसा पार्क ज़रूर होना चाहिए जहाँ छोटे बच्चे खेल पाएँ, जहाँ महिलाएँ कुछ समय शाम को, सुबह टहल पाएँ, बुजुर्ग टहल पाएँ, क्योंकि एक स्वास्थ्य की समस्या भी सबके सामने आ रही है। घर से बाहर निकले, सड़क तो है लेकिन सड़क पे बहुत सारा रश है, गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चों को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखिए, पहले ही हमारे शहर के जो स्कूल्स हैं उनमें मुझको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है प्लेग्राउंड की, बच्चा खेल ही नहीं रहा है। जब खेल नहीं रहा तो उसका फिजिकल जो विकास होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। वैसे ही घर में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको सुबह डॉक्टर कह रहा है टहलिए, महिलाओं से कह रहे टहलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समस्या हो रही है डायबिटीज़ की हो रही है, थायराइड की हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लेडीज़ में। तो ये सारी समस्याएं इसी से सॉल्व हो सकती हैं कि थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज हो। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं मिलता है उनको, कोई जैसे अटल पार्क बना, या आप कहिए गांधी पार्क है, या हमारे पास भारत माता पार्क है, ये गिने चुने नाम है जहां पर आप जाएंगे सुबह तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।
बहुत सारी पब्लिक यहाँ आती है, ठीक है जो आ रहे हैं वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो भी उतना लाभ नहीं ले पा रहे क्योंकि एक फ्रेश एयर के लिए व्यक्ति गया, और मुझे लगता है जब वहाँ हजारों की संख्या हो जाती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या फायदा हुआ जिस चीज के लिए गए वो आपको उपलब्ध नहीं हुई। तो हर कॉलोनी में हमें कम से कम एक छोटा सा पार्क तो जरूर डेवलप करना ही चाहिए, और उसके लिए क्योंकि ये अनऑथराइज जो कॉलोनीज हैं ये भी बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम है, इनको पहले से ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे डेवलप हो रही हैं, किस तरह से इनका मैपिंग हो रहा है, अगर मैपिंग हो रहा है तो उसमें विद इन टाइम उनको टोकना चाहिए कि आप इतनी स्पेस छोड़िए तो सही, उसके बाद आगे काम बढ़ाइए। वहाँ नालियों की भी समस्या आपने देखी होगी, आप ग्रेटर नोएडा चले जाएं तो हर घर में आप जब उस घर का नक्शा पास होता है तो उससे पहले उसमें एक गार्डन होना बहुत कंपलसरी है। बिल्कुल, आपके पास उस घर में अगर आपने गार्डन नहीं बनाया है तो वो आपका पास ही नहीं होगा। हाँ, तो ये चीज अपने यहाँ नहीं है, यही तो नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देता कोई, तो इस पर ध्यान देने की आपने सच कहा कि जरूरत है। बिल्कुल, इसके अलावा जो काम जो है नगर निगम के क्षेत्र में आता है, जैसे आपने बात की कि साफ सफाई की बात की, आपने बाकी चीज़ों की बात की, लेकिन नगर निगम से संबंधित, नगर निगम का काम केवल साफ सफाई और पानी की व्यवस्था करना नहीं होता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी उसका दायित्व है। बिल्कुल, आपको शिक्षा के बारे में मैं आपसे बात करूँ क्योंकि आप शिक्षिका भी हैं, तो क्या प्रयास करने चाहिए नगर निगम को शिक्षा को लेकर के? देखिए, बहुत समय से हम भी मांग करते आ रहे हैं इस बात की कि नगर निगम के द्वारा अभी कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है शहरी क्षेत्र में जो संचालित हो, जबकि पहले आप लोग जानते होंगे कि नगर निगम के द्वारा ही विद्यालय संचालित होते थे शहरी क्षेत्र में। अभी जो बेसिक के विद्यालय हैं वो नगर निगम के क्षेत्र में चल रहे हैं किराए के भवनों में, वो किराए के भवन भी बहुत साल पुराने हैं, मतलब 50 साल पुराने, 100-150 रुपये महीना जिनका किराया है। तो आप सोचिए वो भवन स्वामी क्या सोचते होंगे कि उनका एक अच्छा खासा घर उनके पूर्वज दे गए होंगे, वो संपन्न रहे होंगे, आज वो खुद एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं और उनके कई कमरे शिक्षा विभाग ने घेरे हुए हैं। तो एक अच्छा सा मैप बनना चाहिए, रोड मैप बना करके इन स्कूल्स को शिफ्ट करना चाहिए। साथ ही एक स्कूल तो कम से कम ऐसा बनाना चाहिए नगर निगम को अपना, जिसमें CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड, जिस भी बोर्ड से ले, मैं तो बोर्ड कोई भी मेरे को नहीं लगता कि बेकार है या बुरा है। आप एक सेंट्रल प्लेस में एक ऐसा स्कूल इस्टेब्लिश करिए जहाँ फर्स्ट टू इंटर एजुकेशन बच्चों को मिले और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हमारे बेसिक के द्वारा दी जाती है, और वहाँ पे एफिशिएंट टीचर्स को आप लगाइए। ऐसा नहीं है कि टीचर्स की क्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ आप देखिए प्राइवेट स्कूल में तो इंटर पास लड़के लड़कियों को आपने देखा होगा, एज ए टीचर उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं। तो आप जो उनके पास एफिशिएंसी है आप उसको यूज़ कर नहीं रहे हैं, यदि आप यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई भी यहाँ पे स्कूल हो सकता है, चाहे वो कोई इंग्लिश मीडियम हो चाहे मिशनरी हो, वो सब पीछे रह जाएंगे जिस दिन आपने ऐसा कोई प्लान लॉन्च किया। तो नगर निगम को एक स्कूल पे तो काम बिल्कुल करना ही चाहिए जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया, स्मार्ट सिटी बनाया, स्मार्ट रोड बनाया, लेकिन स्मार्ट स्कूल बनाया, स्मार्ट स्कूल नहीं, स्मार्ट स्कूल से ही तो स्मार्ट जनरेशन निकलेगा, हमारे बच्चों को पहले स्मार्ट बनाइए आप, तो आने वाले सालों में आप अंतर देखेंगे, दिखेगा हमें अंतर। बेशक, और स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य पे भी सिमिलरली चलना चाहिए। आप देखिए नगर निगम को वैसे ही, क्योंकि बेसिक स्वास्थ्य की बात ही नगर निगम से शुरू होती है, फॉगिंग होती है, फॉगिंग से आपको मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि थोड़ी देर में यहाँ मच्छर नहीं देखेंगे। फॉगिंग के दौरान हम देखते हैं कि मच्छर खूब घूम रहे हैं, ये मेरी पर्टिकुलर, मैं अकेली बात नहीं कर रही हूँ, ऑन द कैमरा बात कर रही हूँ मैं, ये सभी लोगों की शिकायत रहती है। तो कुछ तो उसमें चेंजेस आप लेकर के आइए। दूसरा, एंटी लार्वा का जो छिड़काव है, जब बीमारी आने को होती है तभी क्यों होता है, अगर हम इसे रेगुलर करें, हम कुछ चीज़ें मतलब हम जो डिपार्टमेंट्स हैं या तो वो सो जाते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इनिशियली नहीं जानती कि किस तरह से काम होता होगा वहाँ पे, लेकिन मैं बाहर से भी बैठूँ तो मैं जानती हूँ कि हम अपने शिक्षा विभाग में अगर काम कर रहे हैं तो हमारा हर मंथ का सिलेबस तय होता है कि हमें इस मंथ तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर बच्चे की हाफ ईयरली आएगा या फाइनल आएगा तो हमें क्या क्या रेडी रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी रेडी होना चाहिए कि हम एकदम से 15 दिन के अंदर किसी बीमारी को नहीं रोक सकते हैं, हमें रेगुलर चलना है, और उसके लिए जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यदि वहाँ कोई कमी है तो उसको उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करिए। उसकी दवाइयों के लिए लीजिए, चाहे हॉस्पिटल के लिए लीजिए, अपना सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लें तो आपने देखा है कि जो उसके लिए सर्विस लेन है, आपने नोटिस किया होगा, आए दिन वहाँ पानी भर जाता है, कई साल हो गए हैं। मैं मानती हूँ कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन क्या उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन कभी नहीं होगा?
कभी तो होगा, तो उसका प्लान ऐसा किया जाए कि रोज रोज छोटी प्रॉब्लम को, कोई नेता आ रहा है उस दिन तो आप देखते हैं कि वहां से पूरा जाम लगा है, ठेले वाले खड़े हैं, ऑटो वाले खड़े हैं, लेकिन किसी दिन कोई नेता आ रहे हैं तो उस दिन बिल्कुल क्लीन है, उस दिन वहां गंदगी भी नहीं है, लेकिन रोज पब्लिक कैसे निकल रही है? बीमार तो वही हो जाएगी, हॉस्पिटल जाते ही बीमार हो जाएगी, बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है। तो बहुत सारी चीजें मुझे दिखती हैं कि ये हो जानी चाहिए जी। फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद बना है जी, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया फिरोजाबाद को। आपको क्या लगता है कि वाकई शहर स्मार्ट है? देखिए, शहर स्मार्ट तो होता है रहने वालों से। जब तक हम अपने दायित्व सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम रहने वाले हैं, अगर हम ये निश्चित नहीं करेंगे हमें कचरा कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है, या सड़क बना दी निगम ने और अगले दिन मैंने पाइपलाइन डाली और उसके लिए सड़क खोद दी, तो जिम्मेदार मैं हुई। तो ये सारी चीज़ें, हम स्मार्ट नहीं है तो स्मार्ट सिटी का तमगा कितनी भी बार मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि हमारा शहर स्मार्ट कहलाएगा। और ये गलतियाँ हमारे हो रही हैं, पानी आता है, टैप खुले हुए हैं और पानी वेस्ट हो रहा है, कितनी बार जाके कोई पोलाइटली समझाएगा? और आप जानते हैं कि जहां कहीं कोई कार्यवाही की बात हुई तो हर व्यक्ति, हर घर में नेता, उसका सीधा अप्रोच जाएगा, एक बड़े एमएलए एमपी से एक कॉल आएगा और जो संबंधित व्यक्ति कार्यवाही कर रहा है उसको रोक दिया जाएगा। तो देखिए, पनिशमेंट के बिना तो कोई डरता ही नहीं। तो इसमें किसकी कमी है? कमी तो मैं तो ये मानती हूं पब्लिक की ज्यादा है, कुछ हद तक होगी तो प्रशासन की हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कमी हम लोगों की है कि हम स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, चूंकि आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में जो महापौर रही वर्तमान में, वो भी महिला रही, अब जो आएगा वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के या फिर महिला सुरक्षा को लेकर के काम करेगा या करना चाहिए? करना चाहिए उन्हें काम, और करेंगे, मैं तो यही आशा करती हूँ कि जरूर करेंगे। जैसे कि अभी बात हो रही है, हम आपको बताएं, हम लोग भी रहते हैं चर्चा में, सोशल एक्टिविस्ट हैं हम लोग, तो कहीं कहीं की बात होती है कि अनारक्षित सीट है तो कुछ महिलाओं ने अप्लाई किया, आवेदन किया, तो महिलाएं क्यों कर रही हैं? सवाल ये भी आया, महिलाएं क्यों कर रही हैं इस टाइम, तो पुरुष करेंगे। हमने कहा क्यों, अनारक्षित में तो महिलाएं भी हैं, क्या दिक्कत है अगर वो महिलाएं अप्लाई कर रही हैं तो? नहीं नहीं, इस बार किसी भी तरह से जो सीट होगा वो पुरुष को ही जाएगा, क्योंकि महिलाओं को तो मिल जाता है मौका। खैर, जेंडर की जो बात करें तो हर तरह के लोग हैं, अब ये डिपेंड करता है पार्टीज पे, उनका अपनी सोच क्या है, लेकिन फिलहाल चाहे वो महिला आए चाहे पुरुष आए, उन्हें इस विषय पे काम करना भी है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो दायित्व बोध तो कराने के लिए हम लोग हैं यहाँ जी। चलिए, फिर भी महिला सुरक्षा को लेकर के क्या शहर में जरूरत है? एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, लेकिन फिर भी आए दिन हम देखते हैं कि तमाम तरह की घटनाएं घटित होती हैं जी, कई तरह की घरों के अंदर जो महिलाएं रहती हैं उनके साथ भी अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो किस चीज की जरूरत है या क्या चीज की कमी है? केवल जागरूकता की जरूरत है। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड बना लीजिए, चाहे चप्पे चप्पे पे आप पुलिस बैठा लीजिए, घटना जब घटित होती है जरूरी नहीं कि कोई आपके आसपास सुरक्षित रखने वाला कोई गार्ड हो, आपको खुद से अपनी थोड़ी विल पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी। लड़कियों को शुरू से बताना पड़ेगा गुड टच और बैड टच के बीच में क्या अंतर है, लड़कियों को इतना हिम्मत देनी होगी कि अगर उनका घर का, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनको अगर बैड टच करता है तो वो बताएं अपने पेरेंट्स को या विरोध करें उस बात का। जब बचपन से हम इस चीज़ों की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे यहाँ के जो लड़कियाँ हैं, युवतियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो मुखर होंगी। आप अच्छी तरह से देखते हैं कि कितना भी आप ऐसे स्क्वाड्स गठित कर लीजिए, घटनाएं नहीं रुक रही हैं, कहीं गलतियां लड़कियों से भी हो रही है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती कि जिस पे वो भरोसा कर रही हैं वो क्या कर सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि जागरूकता की कमी है। शिक्षा के साथ हमें इन चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, केवल हम जो सिलेबस हमारी किताबों में, अगर हम उससे चलते रहे तो कुछ हासिल नहीं होना है। व्यवहारगत समस्याएं क्या हैं और व्यवहारिक रूप से लड़कियों को किस तरह से चलना चाहिए, ये उनकी शिक्षिकाएं ही उन्हें सिखा सकती हैं। तो उनको और ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ स्पेशली पीरियड्स लगाने चाहिए इनके लिए अलग से, और उन पीरियड्स में समझाया जाए कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अगर किसी अननोन व्यक्ति से बात कर रहे हैं या अननोन कॉल आता है तो उसके बाद आप बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, तो आप पहले ये तो देखिए कि वो व्यक्ति है कौन। जब तक आप उसको जानते नहीं हैं
तो मुलाकात करने के लिए भी बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी घटी हैं। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि आजकल बहुत जल्दी लोगों के संपर्क बन जाते हैं और संपर्क से संबंध भी बन जाते हैं। वही बात मैं बोल रही हूँ कि जानते नहीं है, मालूम पड़ा वहां से महिला का फेस लगा है और बात कोई चैटिंग कर रहा है वो पुरुष हो, कुछ समझ ही नहीं आता है, तो वो रिलायबल नहीं है। तो सोशल मीडिया को यूज करने वालों को ये समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, टीचर्स को समझाना पड़ेगा, और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है पब्लिक की। मेरा कहना यह है कि आज मेरी बेटी कहीं जा रही है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, रास्ते में अगर किसी ने कोई छींटाकशी की, बेटी परेशान है, तो उसके आसपास से हो सकता है आप गुजर रहे हो सकता है कोई और अननोन पर्सन है, लेकिन वो गुजर रहा है, उसने उस बात को सुना, लेकिन उसने कहा मुझे क्या करना, और वो निकल गया, तब बेटी असुरक्षित हुई। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, क्योंकि अक्सर मैं भी निकलती हूँ, पहले मैं एक्टिवा से चलती थी, तो मैंने देखा कभी किसी लड़की को अगर कोई लड़का कुछ बोल रहा है वो डरी सी है, तो हम अपनी एक्टिवा स्लो कर लेते हैं, तो हम उसके पीछे चलते थे और लड़की को एक बार टोक देते थे कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए, क्या आपको कोई परेशान कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता कि आंटी वहां तक जाना है मुझे। मैंने साथ नहीं बिठाया, क्योंकि ये भी हम ही रोकते हैं कि किसी के भी साथ बैठिए नहीं, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानती हैं, लेकिन आप वहां तक जा रही हैं, मैं आपको वहां तक छोड़ सकती हूँ। मेरे 2 या 5 मिनट तक जो खर्च हुए, उससे यदि किसी की बेटी सुरक्षित होती है, तो मेरे मन में ये भाव आता है कि ये 2-5 मिनट ईश्वर मेरे को भी देगा, मेरी बच्ची के लिए किसी और के अंदर ये भावना लेकर के आएगा कि कभी मेरी बेटी परेशान है तो वो भी ऐसे ही उसका साथ देगा जी। तो ये चेन सिस्टम अगर हम चलाते हैं तो बेटियां असुरक्षित नहीं रहेंगी। केवल पुलिस पे डिपेंड रहना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। चलिए, तो काफी स्वस्थ चर्चा रही आपके साथ हमारी, और आशा है आप लोगों को भी ये चर्चा पसंद आई होगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कल्पना जी ने हमारे साथ शेयर की, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल्पना जी, कोई अंतिम आपका कोई संदेश या मैसेज पब्लिक के लिए या बेटियों के लिए तो जरूर कहें। हाँ बिल्कुल गौरव जी, क्योंकि खुद मैं एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ और एक बेटी की भी माँ हूँ, तो मैं हमेशा जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, बेटियों से मिलती हूँ, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोइए। हमने भी बहुत सारे दौर देखे और ईश्वर की कृपा रही कि हमारे माता पिता ने कभी हमें बेटों से कम नहीं समझा। मेरे 2 भाई हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी हमें। सिमिलरली हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं। मैं हर बेटी से कहना चाहती हूँ, आपके अंदर बहुत कुशलता है, आपको जो आपकी विल पावर है उसे पहचानने की जरूरत है। कभी कभी होता है कि समाज में जो पुरानी रूढ़िवादिता है उसके कारण आपको बराबर मौके नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। मन छोटा ना करें, आप बहुत काबिल हैं, इसलिए आप केवल शिक्षा ही ना देखिए, अगर शिक्षित कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आपके अंदर और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो आप अलग टाइप की स्किल्स ले सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर की चीजें सीख सकते हैं, आप सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वही लड़की किसी काबिल हो पाएगी। कई बार लोग यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं कि पापा ने बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए, अब हम क्या करेंगे, हमें तो चूल्हा चौका ही करना है। भाई चूल्हा चौका भी करना है, क्योंकि अगर हम अपना किचन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम करियर भी तो किचन से बना सकते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े शेफ्स हैं। तो हर जगह हमारे पास मौका है, केवल हम यही ना सोचें कि डिग्रीज मिलेंगी तभी हम कुछ अपने आप को साबित कर सकते हैं। हर जगह साबित करने का मौका है, हिम्मत ना हारें कभी भी। कोई भी दुर्घटना होती है तो स्वयं को दोषी ना माने, क्योंकि जो दुर्घटना करके गया दोषी वो है, हम नहीं जी। ये जरूर आप अपने अंदर रखें, और यही उनके परिवार वालों से निवेदन है कि बेटी को बाहर से की गई गलती के लिए खुद दोषी ना बनाएं, उसका साथ दें जी। बहुत अच्छी बात कही कल्पना जी ने, और आशा है ये जानकारी आप दूसरों के साथ शेयर करके इस जानकारी को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी।